कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से बनता है, अर्थात लग्न कुंडली में जब ये दोनों ही ग्रह एक साथ होकर कुंडली के किसी अच्छे भाव में योग कारक होते हैं और साथ में अंशबल भी सही हो और षडबल से भी अगर मजबूत हो जाए तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है। कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग कैसे चेक करें? लक्ष्मी नारायण योग को जांचने के लिए निम्नलिखित नियम हैं, जिनको आप अपनी कुंडली में मिलाकर योग को चेक कर सकते हैं। योग कारक शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक हो, अंशबल दोनों ग्रहों का अंशबल अच्छा हो, अस्त अवस्था दोनों ही ग्रह सूर्य से अस्त ना हो क्योंकि दोनों ही ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं इसलिए इनके अस्त होने की संभावना अधिक रहती है। नीच अवस्था कोई भी ग्रह कुंडली में नीच का ना हो, अगर हो तो उनका नीच भंग अवश्य हो। स्वग्रही शुक्र या बुध दोनों में से कोई एक ग्रह अगर स्वग्रही होता है तो षडबल से यह योग बलशाली होता है। मित्रग्रही शुक्र प्लस बुध अगर मित्र ग्रह की राशि में होते हैं तो इनको षडबल मिलता है। त्रिक भाव कुंडली के त्रिक भाव में यह राजयोग नहीं बनता है। बुध और शुक्र की युति एक भाव में होने पर दोनों ही ग्रह योग कारक होते हैं इसलिए यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र की युति दो भाव में होने पर दोनों ग्रह योग कारक होते हैं लेकिन शत्रु की राशि में होने से षडबल कमजोर होगा किंतु योग फिर भी बनेगा। बुध और शुक्र की युति तीन भाव में होने से भी योग बनेगा लेकिन यहाँ षडबल कमजोर होगा क्योंकि तृतीय भाव में बुध तो मित्र की राशि में है लेकिन शुक्र शत्रु की राशि में है। बुध और शुक्र की युति चार भाव में होने से बुध उच्च के होते हैं लेकिन शुक्र नीच के होते हैं इसलिए यहाँ नीच भंग राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुध और शुक्र की युति पांच भाव में होने से दोनों ही ग्रह योग कारक होते हैं इसलिए राजयोग बनेगा। बुध और शुक्र की युति छह भाव में होने से यह राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि यह त्रिक भाव है। बुध और शुक्र की युति सात भाव में होने पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र की युति आठ भाव में राजयोग का निर्माण नहीं करेगी क्योंकि कुंडली का त्रिक भाव है। बुध और शुक्र की युति नौ भाव में इस राजयोग का निर्माण करेगी। बुध और शुक्र की युति दस भाव में बुध नीच के होते हैं लेकिन शुक्र उच्च के होने से नीच भंग राजयोग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुध और शुक्र की युति ग्यारह भाव में इस राजयोग को बनाएगी लेकिन षडबल कमजोर होगा। बुध और शुक्र की युति 12 भाव में लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनाएगी क्योंकि कुंडली का त्रिक भाव है जो अच्छा नहीं होता है।